हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु आईएएस। सो टारगेट आईएएस 2021 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग इस सेशंस के अंदर अपने करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, जो हमारे रहेंगे मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं। इम्पॉर्टेंट मैं बता दूँ आपको, प्रिलिम्स और मेंस परस्पेक्टिव से जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, हम लोग इस सेशंस के अंदर अच्छे तरीके से बहुत ही डिटेल में और आराम से इसको कवर अप करेंगे इन 70 डेज। 70 डेज के अंदर हम लोग कवर अप कर लेंगे, यानी कि प्रिलिम्स 2021 से पहले हम अपना टास्क कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, हर एक सेशन के साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट के लिए लिंक रहेगा। वो तो हर एक सेशन के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो डाटा रहेगा आपका, वहां पे आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? अगर बात करें अभी तक के लेक्चर्स की, तो अभी तक के हमने 8 लेक्चर्स को कवर अप किया, जिसके अंदर हमने मार्च 2020 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर लिया। इवन अप्रैल के भी 2020 के कई करंट अफेयर्स को अभी तक का हमने कवर अप किया है। तो आज का हमारा जो 9th लेक्चर रहेगा, ये भी अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहेगा। क्लियर है? बस आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, और जो भी करंट अफेयर्स के लिए आपको दिक्कत आ रही है, वो आप लोग यहाँ पे अपना सॉल्व आउट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये सेशन शुरू करते हैं ऑन करंट अफेयर्स अप्रैल 2020। आप लोग मुझे जानते ही हैं, माई सेल्फ कनम अग्रवाल, करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु आईएएस। लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अगर बात करें आज की सबसे पहली न्यूज की, तो वो क्या रहेगी अपने पास, नो प्लान टू ईज द फिस्कल डेफिसिट टारगेट, 15th फाइनेंस कमीशन। ये रिपोर्ट आई है आपके लिए, और अगर मैं बात करूं, ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है जनरल स्टडीज 3 पेपर के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, अगर बात करें ये न्यूज के बारे में, तो ये न्यूज है क्या, ध्यान से सुनेगा। कहते चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, मैं प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दूं, आपको पता होना चाहिए कि 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, वो है एनके सिंह। और उन्होंने अनाउंसमेंट की है, क्या अनाउंसमेंट कर दी, कि कोई भी क्रेडिबल प्रपोजल नहीं मिलेगा। कहते देयर इज नो क्रेडिबल प्रपोजल टू अमेंड, जिससे कि हम चेंजेस कर पाए लेजिस्लेशन के अंदर, क्यों, मेंट टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट। अब कंसेप्ट ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि चेंजेस आ चुके हैं, इकोनॉमी में फ्लक्चुएशन हुई है ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। तो यहां पे लिखा, टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट डिस्पाइट द स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। कंसेप्ट देखिए कि भारत सरकार के फाइनेंसेस में जो हमें गिरावट देखने को मिली है, तो उसके कारण COVID-19 के कारण, तो जो फिस्कल डेफिसिट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो डिस्कस किया गया था इन द 15th फाइनेंस कमीशन चेयर्ड बाय द एनके सिंह। क्लियर है? ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि चेयरमैन कौन थे 15th फाइनेंस कमीशन के। स्टूडेंट्स क्लियर है? अब अगर थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये जो 15th फाइनेंस कमीशन हुआ था, इसके अंदर क्या चर्चा हुई है, वो है कहते स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन डिमांडिंग। तो जो भारत सरकार के अंदर जो राज्य सरकार है, उन्होंने डिमांड्स कर दी दैट देयर फिस्कल डेफिसिट टारगेट हैव बीन रिलैक्स्ड, कि हमें एक तो फिस्कल टारगेट को हमने फिक्स रखा हुआ है हर एक स्टेट के लिए। कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि फिस्कल डेफिसिट आप सभी को पता है कि ये फिक्स रहता है, बट COVID-19 के कारण अर्निंग्स नहीं हो पाई स्टेट गवर्नमेंट की, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्निंग्स नहीं हो पाई, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, जो सपोज कर लो जो हमने 3% रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है, अब उसमें थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन दी जाए, बी रिलैक्स्ड बियॉन्ड द लिमिट, वो कितने 3% से 4% हो जाए। इवन कुछ राज्यों ने बोला कि इवन हमें 5% तक की हमें छूट दी जाए, रिलैक्सेशन दी जाए इस बार। कहते टू गिव द स्टेट्स मोर फिस्कल रूम, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो, अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड्स के अकॉर्डिंग अगर हमें उसको रूम दे देते हैं इन डीलिंग विद द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन, तो क्या होता है। तो ये बोलते हैं कि द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन जो एनके सिंह जी हैं, एनके सिंह जी अगेंस्ट हैं ये कंसेप्ट के, कहते इज अगेंस्ट द लेंडिंग टू द गवर्नमेंट अंडर द
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको FRBM बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ी देर वेट करो, व्हाट डू यू मीन बाय FRBM, कि कौन सा कानून है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट ये कौन सा कानून है। इवन याद रखेगा कि 15th फाइनेंस कमीशन इसके अंगेंस्ट थी, ठीक है, जो भारत सरकार कर्जा ले रही थी लेंड टू गवर्नमेंट अंडर द, किसके अंडर, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट ये रहेगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। इवन आप लोग ना ये वाला पॉइंट मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में नहीं यूज कर सकते आप लोग, क्योंकि यहां पे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ये बोलते इट मस्ट बी नोटेड दैट अंडर द FRBM एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टेट्स, की भारत के अंडर सभी राज्यों को ये कानून मानना ही होगा, टू कीप देयर फिस्कल डेफिसिट अंडर द 3% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये चीज आप लोग याद रखिए कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी राज्य सरकारों को 3% का फिस्कल डेफिसिट रखना ही रखना है, ठीक है, इन द रिस्पेक्टिव ऑफ देयर GDPs, ठीक है। अब COVID-19 के लॉकडाउन के कारण राज्य सरकारें क्या बोल रही हैं कि हमें रिलैक्सेशन दी जाए कि इसको 4% कर दो, इवन कुछ राज्यों ने तो बोल दिया इसको 5% तक भी ले जाओ। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आया, तो ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई कि ये न्यूज़ क्यों अराइज हो गई, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करते डिमांड की है, तभी तो ये न्यूज़ आ रही है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब बात करूं मैं FRBM की, तो ये एक्ट क्या है, ये हुआ था, एनेक्ट हुआ था अगस्त 2003 में, ठीक है। यहां पे बोलते हैं ये एक्ट के अंडर टू सेट टारगेट्स फॉर द गवर्नमेंट, की एक टारगेट दे दिया सरकार को टू अचीव द फिस्कल स्टेबिलिटी, की ठीक है हमें एक इसके अंदर स्थिरता लेकर आनी है, ये नहीं कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, एक कॉन्स्टेंट चाहिए, to provide the Reserve Bank of India with the flexibility to deal with the inflation. Concept देखिए, अगर हम लोग fiscal deficit को बिल्कुल constant रखते हैं, मतलब stable रख पाते हैं, ताकि Reserve Bank of India deal कर पाए महंगाई से, inflation से, to improve the management of पब्लिक फंड्स, इवन हम लोग जो पब्लिक फंड्स को भी अच्छे से इंप्रूव कर पाएंगे, ये आप लोग फिस्कल डेफिसिट को क्या कर सकते हो, अगर आप लोग इसको स्टेबल रख पाए तो, ठीक है ना, टू स्ट्रेंथन द फिस्कल प्रूडेंस एंड टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये मैप की बात करूँ, सॉरी ये ग्राफ की बात करूँ, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे स्टूडेंट्स कि ये कंसेप्ट देखिए 2019 से 2020 तक का फिस्कल डेफिसिट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू योर GDP, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। योर ब्लू रिप्रेजेंट द बजट एस्टीमेट, योर लाइट ब्राउन रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यूज, क्लियर है। तो आप देख पाएंगे कि 2019 से 20 तक बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, आगे भी, ये तो मैंने यहां तक सिर्फ ग्राफ यहां तक आया है, अब आगे क्या चलता है, मतलब आगे 2020 से 2021 का क्या ग्राफ रहेगा हमारे पास, हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, तो ये न्यूज़ उसके ऊपर आ रही है, ठीक। आगे चलते हैं, 2016 में क्या हुआ, अ कमेटी अंडर द एनके सिंह वाज सेट अप टू सजेस्ट द चेंजेस टू द एक्ट, तो उन्होंने चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन दिए थी, ठीक है। अब एनके सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिए थे 2016 के अकॉर्डिंग भी, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं और करंटली भी देख लेते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, कहते द कमेटी सुजेस्टेड यूजिंग डेब्ट, कर्जा है जो, एज द प्राइमरी टारगेट फॉर द फिस्कल पॉलिसी एंड दैट टारगेट मस्ट बी अचीव्ड बाय 2023, मतलब हमें 2023 तक इस टारगेट को अचीव करना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं है, टाइटन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, द कमेटी प्रपोज्ड टू क्रिएट एन ऑटोनॉमस फिस्कल काउंसिल विद अ चेयरपर्सन एंड टू मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंटर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये इनकी रिकमेंडेशन है, क्या पता आने वाले टाइम में ये एक्चुअली ऐसा हो जाए कि एक फिक्स फिस्कल काउंसिल बन जाए जिसके अंदर एक चेयरमैन होगा। आपको ये चीज स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए कि ये रिकमेंडेशन किसने दिया था और रिकमेंडेशन के अंदर क्या आया कि इसके अंदर एक चेयरमैन होगा और दो मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सजेशंस ऑफ द कमेटी द गवर्नमेंट मस्ट नॉट बोरो फ्रॉम RBI
कि सरकार को आरबीआई से पैसा उधार में नहीं लेना चाहिए, नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई एक्सेप्ट व्हेन द सेंटर हैज टू मीट अ टेम्परेरी शॉर्टफॉल इन द रिसीप्ट्स। ठीक है, आरबीआई सब्सक्राइब्स टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, भारत की जो सिक्योरिटीज रहती हैं, टू फाइनेंस एनी डेविएशन, मतलब जो गैप आ रहा है। आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपको पता है। ये हम लोग स्टूडेंट्स कब करते हैं, जब आरबीआई कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है, कभी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है। ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से लड़ने के एक बोल सकते हो आप लोग मेथड्स रहते हैं हमारे पास। क्लियर है यहां तक? चले अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एग्जाम में ये बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन नहीं पूछेंगे यूपीएससी के लिए। तो कहते फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डिफरेंस है बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार को आमदनी हुई, एंड इट्स एक्सपेंडिचर। तो मतलब एक गैप हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इनकम कितनी हो रही है माइनस एक्सपेंडिचर, उसका कितना खर्चा हो गया और उसके पास फिर कितना पैसा रह गया, वो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास आ गया फिस्कल डेफिसिट। ये सारा गवर्नमेंट का है। मतलब अगर मैं इनकम की बात कर लूँ तो मोस्टली हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टैक्सेस को, ठीक है ना, एंड उसके बाद नॉन टैक्सेस रिसिप्ट्स। यहाँ पे मेंशनड है या तो टैक्सेस से हमें आमदनी हो रही है सरकार को, एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर्स। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलें आगे। अब ये बोलते हैं यहाँ पे अ फिस्कल डेफिसिट सिचुएशन अकर, ये सिचुएशन कब अकर होती है, व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब हमारा खर्चा बढ़ जाएगा और आमदनी हमारी कम हो जाएगी। तो कंसेप्ट तो बिल्कुल ठीक है ना। तो फिस्कल डेफिसिट आपका नेगेटिव में, अगर मैं बहुत बेसिक सा कंसेप्ट पूछ लूँ कि स्टूडेंट्स आप बताएं फिस्कल डेफिसिट कब कब नेगेटिव में आएगा, तो बिल्कुल ठीक है ना, जब इनकम हमारी इतनी नहीं होगी और हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। लिखा ही है कि एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स इनकम, दिस डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड ऑल्सो एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जो अभी हमने रिसेंटली ये मैप में देखा कि जीडीपी के रिस्पेक्टिव में हमें कैलकुलेट करना है फिस्कल पॉलिसी को, फिस्कल डेफिसिट को, सॉरी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेंशनड ही है कि या तो आप लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर लो फिस्कल डेफिसिट को, या फिर आप लोग परसेंटेज, किसकी परसेंटेज, जीडीपी की परसेंटेज के रिस्पेक्टिव में आप लोग फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हो अपने इंडिया के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखेगा, कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे इसी तरीके से बहुत धीरे धीरे हर एक न्यूज को और उसकी कोई भी अगर कोई ऐसा टर्म रहती है, मैं उसको भी डिस्कस यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहा हूँ विद योर एग्जाम्पल्स। क्लियर है ना, तो कोई भी आपको न्यूज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, फिर भी अगर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये कंसेप्ट क्या चीज है, S-400 एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली बेस्ड है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ GS-2 एंड GS-3। याद रखिएगा ये कंसेप्ट। शुरू करें, लीजिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे बोला गया है कि एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है, ऑल द मेजर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, जो मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इंक्लूडिंग द डिलीवरी ऑफ S-400। ये S-400 कहां से आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है रशिया से। इंडिया रशिया से परचेज कर रहा है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। होता क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये क्या करेगा, लैंड टू एयर ये टारगेट को हिट करता है। ठीक है, मैं आगे इसका फोटोज दिखाऊंगा आपको। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बिटवीन रशिया एंड इंडिया विल बी ऑन शेड्यूल। कहने का कंसेप्ट ये है कि ये न्यूज आई क्यों, सबसे पहले तो ये याद रखो COVID-19 के कारण लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण क्या हो गया था, काफी इम्पेक्ट पड़ा था। बट ये डील जो इंडिया और रशिया के अंडर हुई है S-400 को लेकर, तो उसकी डिलीवरी के अंदर कोई भी डिले नहीं होगा, ये न्यूज इसीलिए आई है। कहते तभी तो लिखा ये स्पेशली विल बी ऑन शेड्यूल एंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक विल हैव नो इफेक्ट ऑन द टाइम फ्रेम
अकॉर्डिंग टू द इंडिया टॉप डिप्लोमैट्स। ठीक है, चलें आगे। अक्टूबर 2018 में क्या हुआ था? इंडिया हैड साइंड अ USD 5 बिलियन डॉलर्स की डील हुई थी 2018 अक्टूबर में। किसके साथ? रशिया के साथ हुई थी। क्यों हुई थी? हमने परचेज करने थे कितने? फाइव, पांच S-400 को हमने परचेज किया है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, मैं अलग कलर से आपको रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि स्टूडेंट्स हमने 5 S-400 को डील लॉक की थी इन अक्टूबर 2008, सॉरी 18। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इंडिया इज द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। इवन ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। कौन सी न्यूज में? जब हमने पढ़ा था ना कि इंडिया आर्म्स इंपोर्ट में क्या कर रहा है, कटौती कर रहा है। क्यों कर रहा है? एक मिनट, मैं यहां पे पहले क्लियर करता हूं, आपको थोड़ा सा न्यूज बताऊं कि इंडिया, हमने न्यूज पढ़ी थी, इंडिया कट आर्म इंपोर्ट, ये हमने न्यूज पढ़ी थी कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने के कगार पर है, इसीलिए तो हमने विदेशी हथियारों को इंपोर्ट करना कम कर दिया है। ये क्यों कर दिया? हमने आत्मनिर्भर भारत जो अभियान हमने लॉन्च किया है, ठीक है, बट S-400 डील इसके अंडर नहीं आ रही है। ये हमने पहले ही लॉक कर दी 2018 के अंदर, ठीक है ना। तो इसीलिए तो हमने ये न्यूज के अंदर भी पढ़ा था कि भारत रशिया से मैक्सिमम क्या करता है, आर्म्स इंपोर्ट करता है। हमने ये पढ़ लिया था कि आर्म्स इंपोर्ट के तहत जो भारत अब सेल्फ रिलायंट बनने जा रहा है, रशिया से इंडिया ने 48% जो आर्म्स लेता है उसमें कटौती कर दी। अगर हम 100 हथियार लेते हैं रशिया से, तो उसमें से 48 हथियार अब हम नहीं लेंगे। ये कंसेप्ट है कहने का, ठीक है। यहां तक हमने ये पढ़ा था पहले वाली न्यूज में भी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, हर एक न्यूज कोई ना कोई तरीके से दूसरी न्यूज से रिलेट करेगी ही करेगी आपकी, ठीक है। यहां पे लिखा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। इंडिया हैज ऑर्डर 15 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ रशियन आर्म्स इन द 3 ईयर्स, 3 साल में इतना पैसा निवेश करते हैं इंपोर्ट करवाने में, ठीक है। द कंट्री हैज परचेज अराउंड 70 बिलियन डॉलर्स इन वेपन फ्रॉम रशिया सिंस 1991। अगर 1991 से लेकर 2021 तक की मैं बात करूं तो स्टूडेंट से कितना हो रहा है, ये कम से कम लगभग 30 साल का गैप आ रहा है जो, तो उसके अंदर हमने 70 बिलियन USD का हमने इंपोर्ट करा है हथियारों के अंदर, ठीक। इन फेब्रवरी इट वॉज स्टेटेड बाय द मॉस्को दैट इट विल बी सॉरी इट विल बिगिन द डिलीवरी ऑफ S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम टू इंडिया बाय द एंड ऑफ 2021 एंड देयर विल बी नो डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर हो चुके हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है क्या चीज? अब ये S-400 आपका ये कंसेप्ट था, दिस इज आवर S-400 जिसको बोलते हैं सर्फेस टू एयर। ये ऑटोमेटिकली लॉन्च होता है, कहते हैं मैन्युफैक्चर बाय द रशिया स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी। और कंपनी कौन सी है? मैं प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी है? ये है अल्माज एंटे। अल्माज एंटे है जो रशिया की स्टेट ओन्ड डिफेंस कंपनी है जो S-400 को बना रही है। द S-400 ट्रियम्स, मतलब इसको क्या बोला गया, ऑल्सो नोन एज द SA-21 ग्रॉलर बाय द नाटो नेशंस। नाटो नेशंस इसको क्या बोलते हैं, SA-21 इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑन द मार्केट। क्लियर है ये वाला? कहते S-400 हैज सो फार बीन एक्सपोर्टेड टू चाइना। इवन रशिया ने ये चाइना को भी एक्सपोर्ट किया है एंड टर्की, टर्की को भी अभी तक का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। मतलब S-400 अभी तक का चाइना के पास आ चुका है, देन आफ्टर टर्की के पास आ चुका है। कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट विद द सिस्टम इन नवंबर 2019। तो अभी तक के चाइना और टर्की के पास आपके S-400 ऑलरेडी अवेलेबल है, क्लियर। रशिया प्लान टू कंप्लीट द डिलीवरी ऑफ 5th रेजिमेंटल सेट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025। तो भारत को 2025 तक उसके पांचों के पांचों S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है स्टूडेंट्स फिर भी बताइएगा, चलें आगे। अब अगर मैं बात करूं, कहते द यूनाइटेड स्टेट्स हैड इम्पोज सेंक्शन ऑन रशिया। इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रशिया के ऊपर कुछ सेंक्शन को इम्पोज कर दिया। वो कौन सा सेंक्शन? वो है काटसा। अब काटसा क्या चीज है? कहते काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट।
अब ये काट्सा क्या चीज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लें, एक ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको पता होना चाहिए ये कब आया था, इनेक्टेड इन 2017, ये है क्या चीज। कहते इट इज अ यूएस फेडरल लॉ दैट इम्पोज्ड सेंक्शंस, अभी तक का किस किस पे लग चुका है, ऑन ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड योर रशिया। तो स्टूडेंट्स, ये एड ऑन डाटा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। इसका फुल फॉर्म रहता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट। ये 2017 में लगा था, फेडरल लॉ है यूएसए का, और अभी तक ईरान पे, नॉर्थ कोरिया और रशिया पे लग चुका है ये। ठीक है, मैं और एड ऑन डाटा कर देता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए। अभी मैं काट्सा के ऊपर अगर डिटेल करूं, कहते इंक्लूड्स सेंक्शंस अगेंस्ट वो कंट्रीज अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। तो कंसेप्ट देखिएगा, ठीक है, इंक्लूड सेंक्शन अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर। हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट्स किसको, काट्सा को। क्लियर है यहां तक? तो काट्सा अभी तक का किस पे लगा, ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे और रशिया पे लग चुका है, ये आप क्लियर हो चुका है आपका। आगे चलते हैं। द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पनेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज परचेजिंग डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। तो ये डायरेक्टली किसको निशाना कर रही है, भारत को निशाना करने की कोशिश की गई थी, कि लॉ ये भी बोलता है जो भी डिफेंस सिस्टम हम लोग परचेज करेंगे वो कंट्रीज के ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। यहाँ पे लिखा है द लॉ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पनेक्टिव एक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज। अब भारत पे भी कुछ एक्शंस हो सकते थे परचेजिंग डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? अगर स्टूडेंट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। चलें आगे। अब आगे देखते हैं, कहते S-400 टुगेदर विद सिस्टम सच एज द S-400 के साथ एक और सिस्टम है, वो है निम्बो एम। वो क्या चीज है? रशियन स्टेट ऑफ आर्ट रडार कॉम्प्लेक्स। ये एक रडार सिस्टम है, किसके अंदर लगा हुई है, ये S-400 के अंदर इनबिल्ट है। मे पोज अ थ्रेट टू फिफ्थ जनरेशन एयर सिस्टम especially in the context of night one operation against an intact integrated air defense system। अगर किसी को ना समझ में आओ तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डिफाइन कर देता हूँ, कि रात के अंधेरे में भी ना अगर कोई मिसाइल से एयर अटैक होता है तो वो S-400 उसको रोकने में बहुत ही ज्यादा कारगर रहेगा। यहाँ पे लिखा ना फिफ्थ जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर नेम्बो एम इनबिल्ट है, आर्ट है। वो क्या है? रडार कॉम्प्लेक्स, एक रडार सिस्टम लगा हुआ है जो नाइट वन में भी काम करेगा, ऑपरेशन अगेंस्ट एन इंटेक्ट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंटीग्रेटेड एयर मिसाइल जाती है उसको भी रोकने में काफी कारगर रहते हैं। नेक्स्ट है मल्टी एक्स, मतलब काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक अटैक्स अगेंस्ट सच अ एक्शन एंड द एडवर्सरीज कमांड कंट्रोल एंड कॉम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिटिकल टू डिग्रेडिंग द थ्रेट पोज्ड बाय द एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर है? ये इसके करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं S-400 के। ओवरऑल द S-400 विच हैज बीन इन यूज सिंस 2017, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, कि S-400 2007 से चलता आ रहा है, इज अ ह्यूज सेटअप फ्रॉम द S-300। ये S-300 का एडवांस वर्जन है S-400 जो 2007 से चल रहा है, एंड यूटिलाइज अ फुल सूट ऑफ टारगेटिंग एपरेटस सच एज मल्टी फंक्शनल रडार्स कमांड एंड कंट्रोल एंड ऑटोनॉमस डिटेक्शन एंश्योरिंग दैट द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अ लेयर्ड डिफेंस। मतलब लेयर डिफेंस का मतलब क्या है, कि लेयर्स होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन। तो ये हेल्पफुल है और ये कारगर है आपका S-400 ये लेयर्स बनाने में। ठीक है, बात करें, व्हाइल लार्जली अनटेस्टेड इन एन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट द S-400 इज पोटेंशियली ट्वाइस एज इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू कैपेबल S-300 सिस्टम।
क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं, अपनी अगली न्यूज आती है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस। ये आपके लिए पेपर GS1 एंड GS2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरू करें कि है क्या चीज, यानी एनुअल रिपोर्ट आई है किसके ऊपर, ऑन फूड सिक्योरिटी। फूड की सिक्योरिटीज पे मैं पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं। ये न्यूज देखिए स्टूडेंट्स इसलिए आई, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, जिसके कारण फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल गए थे। बस इसी कारण ये न्यूज आई है, ठीक। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द फूड क्राइसिस, बिल्कुल ठीक है। हैज बीन रिवील्ड द स्कोप ऑफ फूड क्राइसिस एज COVID-19 पोजेसेस न्यू रिस्क टू द वल्नरेबल कंट्रीज। क्लियर है? कहते मेनी गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, कई सरकारों ने दुनिया के अंदर हैव पुट देयर पॉपुलेशन ऑन लॉकडाउन, लॉकडाउन लगा दिया था, कॉजिंग सिवियर स्लो डाउन इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड द फूड चेन सप्लाई। बिल्कुल ठीक है, देखिए ट्रेड भी रुक गया विश्व स्तर पर और सप्लाई भी रुक गई थी खाने पीने की। ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट रहेगा डाटा, ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लो थर्ड पॉइंट को। ये डाटा इसी तरीके का डाटा आप लोग अगर एग्जाम में लिखते हो ना तो आपका जो पेपर है ना वो बहुत अच्छे तरीके से उभर कर आता है। यहाँ पे लिखा कि 130 मिलियन पीपल हैड बीन फेसिंग एक्यूट फूड शॉर्टेज बट नाउ द पैंडमिक 130 मिलियन मोर कुड गो हंग्री इन 2020। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डाटा है हमारे पास, द रिपोर्ट। अब कंसेप्ट देखिएगा, रिपोर्ट बनाई किसने, बाय द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इंडिकेट इन्होंने क्या दर्शाया कि 2019 में 135 मिलियन पीपल 55 कंट्रीज के अंदर, 135 मिलियन पीपल इन 55 कंट्रीज एंड टेरिटरीज एक्सपीरियंस एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। ये नहीं बोल सकते कि हंगर हो गया, नहीं, इनसिक्योरिटी मतलब आपको शॉर्टेज आ चुकी है यहां पे, वो कंसेप्ट है, ठीक है। चलें आगे, ये बोलते हैं इन 55 फूड क्राइसिस कंट्रीज कवर्ड बाय द रिपोर्ट। इन्होंने 55 कंट्रीज को कवर किया इस रिपोर्ट के अंदर कि 75 मिलियन चिल्ड्रन वर स्टंटेड एंड 17 मिलियन सफर्ड फ्रॉम वेस्टिंग इन 2019। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चले, कहते दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। कंसेप्ट देखिए, ये बहुत ही ऊंचे स्तर की इनसिक्योरिटी थी खाने पीने के अंदर, इवन माल न्यूट्रिशन के अंदर, माल न्यूट्रिशन के अंदर डॉक्यूमेंटेड बाय द नेटवर्क सिंस द फर्स्ट एडिशन। इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, 2017 में। तो इन्होंने ना कंपैरिजन करके बताया है कि फूड इनसिक्योरिटी तो हो रही है, इवन माल न्यूट्रिशन भी हो रहा है। ये मैं इंपॉर्टेंट डाटा करूंगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा डाटा है ये आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स ये डाटा ना, अगर आप जब आपका पीडीएफ आएगा ना तो इसको प्लीज हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरीके का डाटा आपको पता होना चाहिए कि पहले रिपोर्ट इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था। स्टूडेंट्स फर्स्ट एडिशन इसका आया था 2017 में, अब कब आ रहा है, 2019-20 का डाटा आ रहा है। क्यों आ रहा है, COVID-19 लॉकडाउन के कारण जो इनसिक्योरिटीज हमें देखने को मिल गई, 135 मिलियन पीपल हमें जो फूड इनसिक्योरिटी से देखने को मिले, कितने कंट्रीज में, 55 कंट्रीज में, ठीक है। मोर देन 73 मिलियन की अगर बात करो, ऑफ 135 मिलियन पीपल कवर्ड बाय द रिपोर्ट इन अफ्रीका, 43 मिलियन लाइव्स इन द मिडल ईस्ट। कंसेप्ट देखिए, अफ्रीका के अंदर देखा, मिडल ईस्ट के अंदर देख लिया एंड एशिया के अंदर भी देखा, 18.5 मिलियन लिव्स इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियंस। ये आपको डाटा याद होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक आइडिया रखना कि कौन से, अफ्रीका में कितना, मिडल ईस्ट में कितना, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, कैरिबियन में कितना है, ठीक। आगे चले, कहते द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस इज द फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ ग्लोबल नेटवर्क एंड इज फैसिलिटेटेड बाय, इसको मतलब इसको कौन लेकर आया, इसको लेकर आया फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला आपका डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल बोल दूं स्टूडेंट्स, ये स्लाइड ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा बहुत क्रूशियल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। शैल वी मूव फर्दर, ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। अब भारत के अंदर सिचुएशन देख लेते हैं, मैं तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा,
मैंने स्टूडेंट्स आपसे डिस्कस भी किया है, कोई भी न्यूज़ आ जाए उसके अंदर इंडिया का क्या रोल प्ले है, या फिर इंडिया के अंदर उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, या पास्ट में क्या इफेक्ट आया था, या इंडिया उसको फ्यूचर में कैसा देखेगा, और इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है इसको ठीक करने के लिए। ये पांच चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से होनी चाहिए, तभी तो आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे। और बढ़िया, तो लिखा कि एज पर द ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019, इंडिया की पोजीशन रही 102। काफी काफी पीछे जा चुके हैं हम लोग, आउट ऑफ 117 कंट्रीज 117 में से 102वां रैंक हमारा आ चुका है। इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और बांग्लादेश आर बेटर देन इंडिया इन दिस इंडेक्स। ठीक है, द पोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड इन द पॉपुलेशन इज 14.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, हमें ये डाटा मिल गया कि अगर भारत की बात की जाए अंडर नरिश्ड की, तो बच्चे अंडर नरिशमेंट का ये मतलब रहता है कि आपने खाना तो खा लिया बट उसके अंदर वो न्यूट्रिशन लेवल इतना प्रॉपरली नहीं दे पाए कि एक बच्चा अंडर नरिश्ड हो चुका है। ठीक है ना, वो कितने परसेंट है, वो है 14.5%। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चलें बात करते हैं आगे की। अब अनदर सीरियस फूड रिलेटेड इशू इज अनीमिया। अनीमिया क्या है? ब्लड की कमी, खून की कमी होना, वो देखते हैं। अगर आप प्रॉपरली, ये कंसेप्ट क्यों है, ऐसा नहीं है कि खाना नहीं खाओगे तो ब्लड नहीं बनेगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर आप प्रॉपरली न्यूट्रिशियस लेवल वाला खाना नहीं खा पाओगे तो ब्लड नहीं बनेगा, वो कंसेप्ट है। कहते मोर देन 50% ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन आर स्ट्रगलिंग विद द अनीमिया। ठीक है, अगर मैं यहां की बात कर लूं, वुमेन्स के अंदर कितना आपको ब्लड देखने को मिलता है, 11 to 14 grams का। ठीक है, कहते नेक्स्ट पॉइंट में 310 डेथ, 310 डेथ्स पर 1 लाख, मतलब 1 लाख में से 310 मौतें हो रही हैं 2017 के अंदर। क्यों? फूड क्राइसिस के कारण। इन अगर 2016 उससे भी पहले की बात कर लूं तो 28.1% ऑफ द टोटल डेथ आर कॉज्ड बाय द कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। कार्डियोवेस्कुलर जो हार्ट के रिलेटेड डिजीज रहता है, आपका हार्ट के रिलेटेड डिजीज रहेगा उसको बोला गया। कहते कार्डियोवेस्कुलर डिजीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज फॉर डेथ ड्यू टू लैक ऑफ कंप्लीट डाइट। कंसेप्ट याद रखेगा, आपका जो हार्ट रहता है ना वो फूड के ऊपर नहीं, वो विटामिन्स मिनरल्स और कैल्शियम के ऊपर काम करता है, याद रखिएगा। तो ये चीजें आपको कब मिल जाएगी, जब आप लोग एक न्यूट्रिशियस डाइट लोगे। सिर्फ डाइट नहीं लेनी, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। 2017 में 1 लाख में से 310 मौतें हो रही थी, क्यों? अंडर न्यूट्रिशन थे हम लोग। और 2016 के अंदर जितनी भी डेथ हुई है ना, तो उसमें से 28.1% डेथ हो गई हार्ट डिजीज के कारण, जिसको बोल दिया कार्डियोवेस्कुलर डिजीज। ये क्यों हुआ? ड्यू टू द लैक ऑफ डाइट ना। कौन सी डाइट? न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, तभी तो न्यूज आ रही है फूड क्राइसिस की। सबसे पहला इसकी एडिशन कब निकला? 2017 के अंदर निकला था। भारत के अंदर ये डाटा इंपॉर्टेंट है कि अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन भारत के अंदर कितनी है, 14.5% है। हालांकि हमने इसको बहुत अच्छा अचीव कर लिया है, इवन हम लोग इसको भी और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। कहते अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे 68% पॉपुलेशन, 68% रूरल इंडिया की पॉपुलेशन आर नॉट एबल टू असेस 200 कैलोरीज इन 11 से 12। कहते कहते 2011 से 2012 के इयर्स के बीच में रूरल ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो 2200 कैलोरीज भी एक दिन के अंदर नहीं ले पा रहा था, जो एक नॉर्मल डाइट रहती है। एंड 65% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर नॉट एबल, और अगर मैं बात करूँ 65% अर्बन पॉपुलेशन वो 2100 कैलोरीज भी नहीं कंज्यूम कर पा रहा था। क्लियर है? कहते दिस डाटा शोज दैट इंडियाज कंडीशन इज बैड एज इट इज एंड दैट लॉकडाउन विल ओनली वर्सन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपल फर्दर। क्लियर है यहाँ पे? तो ये वाला डाटा जो हमने देखा, एक मिनट को जूम कर लें, ये देखें ये डाटा आपका रहा, और कहां कहां पे सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी आपकी रहती है। हालांकि नो डाउट इंडिया में भी है, बट एज कंपेयर टू अदर बहुत ज्यादा कहां पे, अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है, यमन में देखने को मिल रही है आपको, DRC में देखने को मिल रही है आपको, यहाँ पे नाइजीरिया में आपको काफी देखने को मिल रहा है, सुडैन में आपको देखने को मिल रहा है, और मेडागास्कर में बहुत
है बट बहुत कम है। वो कहाँ पे आपको साउथ मेडागास्कर में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, चलें, ब्राजील काफी अच्छा रोल प्ले कर रही है। आप देखें कंसेप्ट, ब्राजील में ये बोलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज अनदर पर्टिनेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। पर पर्सन फूड एब्जॉर्प्शन हैज बीन डिक्लाइनिंग स्लोली आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। क्लियर है? तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। फिर भी है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अपनी नेक्स्ट न्यूज रहती है प्लाज्मा थेरेपी पे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी स्टूडेंट्स, जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए। मैं इसको बता दूं प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। देखो दिमाग में तो आ जाता है, एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ही इज COVID-19 पॉजिटिव पर्सन। ठीक है ना, ये पॉजिटिव आ गया लीजिए। ठीक है, अच्छा एक दूसरा पर्सन है यहाँ पे, ये अभी अभी क्योर हो चुका है COVID-19 से। तो होता क्या है, ये क्या चीज है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। इसका प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा कोविड पॉजिटिव पेशेंट को। क्यों? एक एंटीबायोटिक्स बन जाएंगे इसके अंदर टू फाइट विद द कोविड वायरस। बस ये न्यूज है। तो इसके अंडर ये परमिशंस किसने दी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, हम ये अभी के अभी ये न्यूज के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलें, जीएस पेपर टू एंड जीएस पेपर थ्री के लिए काफी डाटा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपका। चलें यहाँ पे, कहते केरला, सबसे पहले भारत के अंदर केरला में शुरू किया गया था। प्रिलिम्स की घंटी बज गई, प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहते केरला हैज रिसीव्ड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूवल, ICMR से उसको अप्रूवल मिल गई थी फॉर क्लिनिकल फिजिबिलिटी ऑफ कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। अब सबसे पहले ही डाटा एड ऑन करना शुरू कर दो, ICMR जिसकी फुल फॉर्म रहती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये है क्या चीज, ये है इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया, भारत के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, फॉर फॉर्म्यूलेशन, फॉर द फॉर्म्यूलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रोमोशन। किसकी प्रमोशन? आपको पता है बायोलॉजिकली ऑफ, सॉरी बायो मेडिकल रिसर्च। ये कंसेप्ट याद रखिए, ये एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करेगी, प्रमोशन करेगी किसकी, बायोमेडिकल रिसर्चेस की। इसको फंडिंग कौन कर रहा है? फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू कौन से डिपार्टमेंट से, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। और किसके अंडर आ रहा है ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये कंसेप्ट याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि एक एपेक्स बॉडी है ICMR जो, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इसे ना बढ़िया व्यू आ जाता है। एक एपेक्स बॉडी है जो फॉर्मुलेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है, प्रमोशन करती है किसकी, बायोमेडिकल रिसर्च की, फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है, हेल्थ रिसर्च के। अब ये पूरा डिपार्टमेंट किसके अंदर आ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ गया, ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, चलें आगे लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ये क्या चीज है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा देता हूं, डाटा पढ़ लेते हैं हम लोग। ये साइंस एंड टेक के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ये है क्या चीज। कहते कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन थेरेपी सीक्स टू मेक यूज ऑफ, ये किसका यूज कर रही है, यूज ऑफ एंटीबॉडीज। किसकी एंटीबॉडीज हैं, डेवलप्ड, कंसेप्ट देखिए, टू मेक यूज ऑफ एंटीबॉडीज किसकी, डेवलप्ड इन रिकवर्ड पेशेंट। जो रिकवर्ड पेशेंट के अंदर बन चुके हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ना पेशेंट अगेंस्ट, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, किसके अगेंस्ट करना है, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस COVID-19 कोरोना वायरस के, बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता क्या है, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात कर लूं स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या होता है, एक प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा इन्फेक्टेड पेशेंट से, सॉरी जो क्योरेबल पेशेंट है उसको, उससे कहां पे लगाया जाता है, इन्फेक्टेड पेशेंट पे, इन्फेक्टेड पेशेंट पे हम लोग इसको चार्ज करते हैं। क्लियर है, क्यों किया गया, एक मिनट,
इसको करने का कारण क्या है, इसको करने का कारण क्या है, सो दैट एंटीबॉडीज आर ट्रांसफॉर्म्ड टू कोविड पॉजिटिव पेशेंट। याद रखेगा ठीक। चले एक मिनट, अब देखते हैं, ये हमने पढ़ लिया कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स एज एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के बेसिस पे उन्होंने परमिशन दी थी, किसने दी थी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के। अब बात करें नेक्स्ट, कहते इन दिस ट्रीटमेंट पेशेंट्स शोड इंप्रूव्ड ऑक्सीजन। इसके अंदर क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव हो जाता है पेशेंट का, एंड अ ड्रॉप इन द अमाउंट ऑफ वायरस, वायरस का लेवल भी ड्रॉप हो जाएगा कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर ठीक। प्लाज्मा थेरेपी पे हुआ क्या, कहते व्हाइल द आईसीएमआर हैज क्लियर्ड द क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल्स द स्टेट माइट हैव टू सबमिट एन एक्सपेंडेड एसेस प्रोटोकॉल टू द काउंसिल। बिल्कुल ठीक है। अब भारत के अंदर भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल अप्रूवल एंड इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, जिन्होंने अप्रूवल किया, वुड हैव टू बी देयर बिफोर ट्रीटमेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड। वो भी प्रेजेंट रहेंगे, उनकी देखरेख में है। नेक्स्ट आता है द कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वर्क बाय ट्रांसफ्यूजिंग सर्टन एलिमेंट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ पीपल जो क्योर हो चुके हैं, हु रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में बता रहे हैं, टू पीपल हु आर फाउंडिंग टू क्रिटिकल ड्यू टू वायरस। क्रिटिकल को ही सिर्फ ये थेरेपी पे रखा जाएगा। According to the study, the people who fought the COVID-19 virus produce antibodies that are capable of attacking the virus. Clear? तो इसके बारे में यहाँ पे भी डिटेल मेंशन्ड है कि थेरेपी में क्या था, ट्रांसफ्यूज किया किसको, प्लाज्मा को ठीक है। दिस प्रोसेस ग्रांट्स द पेशेंट सम पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ये डाटा कर दूं ऐड, द फर्स्ट वैलिड ट्रायल वाज डन इन 1892 फॉर द डिप्थेरिया यूजिंग द सीरम फ्रॉम एनिमल्स। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1892 में डिप्थेरिया की बीमारी में भी हमने ये कंसेप्ट को यूज किया था ठीक है। ये चीज स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगर बात करें कंट्रीज दैट हैव ट्राइड प्लाज्मा थेरेपी, सबसे पहले किसने किया, साउथ कोरिया ने, चाइना ने, यूएसए, इटली, कनाडा ने। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट है, कहते अ पेशेंट हु हैड रिकवर्ड डेवलप्ड एंटीबॉडीज दैट वुड स्टे इन देयर ब्लड वेटिंग टू फाइट द सेम वायरस अगेन, वो फिर से लड़ सकता है। दोज एंटीबॉडीज एंड प्रोटीन्स दैट आर सिक्रेटेड बाय द इम्यून सेल नोन एज इंपॉर्टेंट प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, वो सेल्स का नाम क्या है, वो रहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स क्या चीज हैं स्टूडेंट्स, ये आपके वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स रहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। वाइट ब्लड सेल्स एक ऐसे सेल्स हैं जो आपके प्रोटेक्टिंग एजेंट हैं, जो बीमारी से लड़ते हैं। हमारे पास एक आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, एक होता है व्हाइट ब्लड सेल, तो ये व्हाइट ब्लड सेल की टाइप रहती है लिम्फोसाइट्स। बाय इंजेक्टिंग दोज एंटीबॉडीज टू अनदर पेशेंट विद द डिजीज द एंटीबॉडीज वुड रिकॉग्नाइज द वायरस एंड बिगेन टू अटैक द वायरस। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। ओके फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है अपने पास, सेंटर एंड स्टेट कैन फिक्स शुगर कीन प्राइसेस। ठीक है, ये है क्या चीज, देखें थोड़ा सा। नंबर वन, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर, सेंटर के पास और स्टेट के पास दोनों के पास पावर आ गई टू फिक्स द प्राइस ऑफ शुगर कीन, याद रखिएगा। और ये किसके अंदर आ रही है, आ रहा है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ रहा है। कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये किसके अंडर आता है, अंडर द सेवेंथ शेड्यूल के अंडर आता है। कि इसके अंदर तीन लिस्टें होंगी, नंबर वन लिस्ट कौन सी होगी आपकी, यूनियन। नंबर टू आपकी कौन सी होगी, नंबर टू होगी अपने पास स्टेट वाली, और नंबर थर्ड होगी आपकी कॉन्करेंट। यहां पे लिख लेते हैं कॉन्करेंट नंबर थर्ड। अब थोड़ा सा डिफाइन कर ले इसको भी, एक क्विक
डेफिनेशन देता हूँ, यूनियन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कौन कौन से प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री लॉज आ जाते हैं आपके, जिसके अंदर आपका डिफेंस भी आ जाएगा कि यूनियन के पास रहेगा ये तो, ठीक है ना। फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं हमारे, फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं, और क्या आ जाएगा, रेलवे आ जाएगी, और बैंकिंग सेक्टर भी आपका किसके अंदर आ जाएगा, यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ये 7th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि 3 लिस्ट होंगी, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन के अंदर पार्लियामेंट्री लॉज आ गए, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। स्टेट के अंदर क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ये आ रहा है लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा और क्या आएगा, पब्लिक ऑर्डर्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और क्या रहेगा इसके अंदर बताएंगे, पुलिस आ जाएगी, हेल्थ आ जाएगा आपका, देन आफ्टर और बताएं, हॉस्पिटल्स, इवन डिस्पेंसरीज भी आएंगी। अगर मैं कंकरेंट की बात कर लूं तो कॉन्करेंट के अंदर सेंटर भी आएगा, सॉरी स्टेट भी आ रही है और फिर सेंटर भी आ रही है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सिर्फ डिफाइन कर देता हूं आपके कॉन्करेंट लिस्ट को, फॉर एग्जाम्पल योर एजुकेशन, और एजुकेशन कौन सी, टेक्निकल, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन भी तो यूज कर सकते हो ना आप लोग यहाँ पे कॉन्करेंट के अंदर, क्लियर है कंसेप्ट ये वाला। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, इवन और क्या कर सकते हो, फैमिली प्लानिंग भी इसके अंदर आ सकती है, क्रिमिनल लॉज भी इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। ये है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, क्लियर है यहां तक, चलें नेक्स्ट है। कहते पहला पॉइंट देख लिया, दूसरा पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑब्जर्व इन इट्स जजमेंट दैट द प्राइसेस व्हिच इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मिनिमम प्राइस, कम से कम है, एंड द प्राइस व्हिच इज फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज द एडवाइज्ड प्राइस। कंसेप्ट याद रखिए, सेंटर ने जो दाम फिक्स कर दिए वो मिनिमम है, स्टेट ने एडवाइस कर दिया, विच इज ऑलवेज हायर देन द मिनिमम प्राइस, स्टेट हमेशा हायर करते हैं मिनिमम प्राइस से बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर। द एडवाइज्ड और द रेम्यूनरेटिव प्राइस शेल ऑलवेज बी हायर देन मिनिमम प्राइस, जो सेंटर से ऊपर रखा जाएगा स्टेट के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शुगर केन ऑर्डर 1966। ये किसके अंडर एक्ट आया था, ये था सेक्शन 16 ऑफ उत्तर प्रदेश शुगर केन एक्ट 1953। हमने यूपी में ऐसा क्या किया, यूपी क्या है, इज द हाइएस्ट, सॉरी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया, याद रखेगा सेक्शन 16 ऑफ यूपी शुगर केन एक्ट 1953, ठीक है। अब बात करें शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1966 की, तो इसके अंदर क्या है, पावर है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, टू फिक्स द रिम्यूनरेटिव या फिर एडवाइज्ड प्राइस, जो हमेशा मिनिमम प्राइस से ऊपर रहती है, एट विच शुगर केन कैन बी बॉट और सोल्ड, जो बेचेंगे, विच शेल ऑलवेज बी हायर देन द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सो लॉन्ग एज द एडवाइज प्राइस फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो जो राज्य सरकार ने गन्ने की एक एडवाइज प्राइस रखी हमेशा मिनिमम प्राइस से ऊपर, हायर देन द मिनिमम प्राइस फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेम कैन नॉट बी से टू वॉइड अंडर द आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर है यहां तक। दो पॉइंट्स प्रिलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। इवन अगर थोड़ा सा डाटा एड ऑन करना हो तो ये है क्या, द शुगर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1966 कंफर्म द पावर अपॉन स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट राज्य सरकारों को क्या दे रही है, टू फिक्स द एडवाइज्ड प्राइस एट विच शुगर केन कैन बी बॉट या फिर सोल्ड कर सकते हो, और हमेशा ऊपर रहेगी किसके, मिनिममली, ये हमने यहां पे मेंशन किया, ठीक है। आगे चल सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट हमने देख लिया था, चलो फिर से देख लेते हैं। कहते कॉन्करेंट लिस्ट होता है जो 7th शेड्यूल में आता है, इज अ लिस्ट ऑफ 52 आइटम्स गिवन इन द 7th शेड्यूल। अब इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स रहती हैं और दोनों को पावर है, वो दोनों को, एक तो यूनियन गवर्नमेंट हो गया और एक स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जिसके अंदर एजुकेशन आ गया, फॉरेस्ट आ गया,
ट्रेड यूनियन आ गया, मैरिज, एडॉप्शन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉज, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स एंड फॉरेस्ट, ये सारे के सारे कॉन्क्रेंस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। 52 आइटम्स रहती हैं, 7th शेड्यूल में आता है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है, ठीक है। कहते बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स यहां तक? शेल वी मूव फर्दर। अब अपने पास नेक्स्ट स्कीम कौन सी आती है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, याद रखिएगा, जिसको हमने किसान के नाम से भी जाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे आपके ये वाले, और पॉइंट ये पेपर रहेगा GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। शुरू करते हैं कि सेंटर हैज एक्सटेंडेड टिल मार्च 2021 द रिलैक्सेशन। याद रखिए, सेंटर गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया। क्या एक्सटेंड कर दिया, वो कंसेप्ट देखिए 2021 तक। फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आधार, आधार लिंक करवाना था बट लॉकडाउन के कारण ये हमने, जिसने ना भी लिंक करवाया उसको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, ये भारत सरकार ने मार्च 2021 तक इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया था, तभी न्यूज आ गई। सीडिंग ऑफ डाटा ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ठीक है। कहते December 1, 2019 onwards, the center started releasing the amount. सेंटर ने पैसा भेजना शुरू कर दिया था बेनिफिशरीज को, किसानों को, after the state government uploaded the आधार details of किसान, sorry, कि जब state government ने डाटा अपलोड करना शुरू कर दिया आधार के बेसिस पे किसानों का, तब सेंटर गवर्नमेंट ने पैसा ग्रांट करना शुरू कर दिया। कब? December 1, 2019। कहते हाउ एवर द एग्जम्पशंस वॉज गिवन टू, और एग्जम्पशंस कौन कौन सी स्टेट्स को दिया गया, ये आपका प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर वन इज योर असम, देन मेघालय, ये दोनों कौन सी हो गई, दिस योर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर यूटी आ गया, फिर लद्दाख आ गया, टिल मार्च 31st 2020, कंसीडरिंग लेस पेनिट्रेशन ऑफ आधार, ठीक है। आगे चले स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहते The beneficiaries of these states and UTs could not have availed the benefits of the scheme. Concept देखें, ये beneficiaries मतलब असम के, मेघालय के, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के जो किसान हैं, could not have availed the benefits. अब ये benefit नहीं ले पाएंगे 1 अप्रैल 2020 से, with the effect from 1st अप्रैल 2020, हालांकि भारत सरकार ने मार्च 2021 तक की छूट दी थी, उसके बाद आपको लिंक करवाना ही होगा आपका आधार कार्ड, ठीक है। इफ द रिलैक्सेशन फ्रॉम द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आधार सीडिंग ऑफ डाटा इज नॉट एक्सटेंडेड, क्लियर? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो आगे चलें। अब देखें इसके अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत है क्या चीज। पहला पॉइंट नंबर वन, कहते एंश्योर इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर, मतलब क्या है, 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनाई जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और किसानों की हेल्प की जाएगी। नंबर टू क्या है, कहते अराउंड 10 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिला आउट ऑफ 12 करोड़ फार्मर टारगेटेड, ठीक है। तीसरा पॉइंट, 100% आधार ऑथेंटिकेटेड बेनिफिशियरीज, आधार को लिंक करवाना मस्ट है, तो ये कंसेप्ट आ गया ना, इसीलिए तो ये न्यूज आई। फोर्थ, कहते फार्मर्स फ्री टू रजिस्टर हिमसेल्फ और थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर और थ्रू मोबाइल ऐप। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन करवाना, मोबाइल ऐप से भी आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, प्रिलिम्स के लिए आपको कभी कभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पूछ लेते हैं कि क्या इसके अंडर, किसान सम्मान निधि के अंडर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना परसेंट था, स्टेट गवर्नमेंट का कितना, यूटी का कितना, तो आपको पता होना चाहिए कि 100% फंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट का बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, सारे का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगा इसको। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर वैलिडेशन प्रोसेस, प्राइवेसी रखी जाएगी डाटा की। इवन सेवेंथ पे टेक्नोलॉजी की बात की जाए, SMS अलर्ट मैकेनिज्म ऑन सक्सेसफुल पेमेंट्स, क्लियर है यहां तक।
ये है क्या चीज, एंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स. कंसेप्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए, फोकस रखें, सोशल सिक्योरिटीज. ठीक है, चलें आगे. अब इसी के तहत क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम है जो एम करती है, मतलब टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड, जो पैसे की तंगी रहती है उसको हेल्प करना है किसान को. कौन सा किसान? स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, SMFs, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, इन प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ, जो हर एक छोटे छोटे खर्चे रहते हैं ताकि फसल की जो हेल्थ है वो अच्छी हो एंड एप्रोप्रिएट यील्डिंग हो सके, कॉमेंसुरेट विद द एंटिसिपेटेड फार्म इनकम एट द एंड ऑफ ईच क्रॉप साइकिल. इसीलिए तो भारत सरकार ने 2000 के स्लॉट्स बनाए थे. ठीक है, नेक्स्ट आता है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये अभी हमने देखा, इट इज बिंग इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? अब कहते अंडर द स्कीम सेंटर ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 6000 पर ईयर, 6000 रुपए का सरकार बेनिफिट देगी. तो 2000 के हमारे पास 3 स्लॉट्स बनेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 रुपीज के 3 स्लॉट्स में ये हर एक बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करना है पैसा एक साल में 6000 रुपया. ठीक है ना, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स बना दिए डायरेक्टली इन टू द बैंक अकाउंट्स of all land holding farmers irrespective of the size of their land holdings. यहां तक कोई डाउट है स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज तक का सेशन में यहीं तक रोकता हूं, तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे. तो मैं आशा करूंगा आपको ये वाला सेशन भी मेरा काफी बढ़िया लगा होगा, तो उसको रेट कीजिए और रिव्यू कीजिए. और एक और, इसकी PDFs आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका PDF फॉर्मेट. क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने डाउट्स को बताएं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके डाउट्स को अच्छे से कवर अप कर लेंगे. क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स.